नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करें जिसके अंदर बात करेंगे राजस्थान के हिस्ट्रिकल प्लेस के बारे में। कुछ राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के जो फोर्ट हैं, जो किले हैं, उन्हें हम कवर कर सकें। तो आज हम खड़े हैं खेतड़ी फोर्ट के अंदर। यहाँ पे हम बात करेंगे आज खेतड़ी फोर्ट के बारे में और यहाँ पे आपको कुछ प्राकृतिक नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। ये जो किला है खेतड़ी, जो फोर्ट है, ये राजा अजीत सिंह द्वारा 1754 के अंदर बनाया गया था। और राजा अजीत सिंह के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, यदि आपको ध्यान में नहीं है, स्वामी विवेकानंद को तो सभी जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने स्पॉन्सर किया था और स्वामी विवेकानंद का जो पहले नाम था वो नरेंद्र था और उन्हें स्वामी विवेकानंद का नाम जो है खेतड़ी के राजा अजीत सिंह द्वारा दिया गया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ के थोड़े से नज़ारे क्या है और कैसा ये किला है, क्या इसको संरक्षण की ज़रूरत है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ का जो है 360 लुक जो है वो आपको दिखा देता हूँ। चलिए, आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये हमारी एक छोटी सी शुरुआत है ताकि जो
हिस्ट्री है, जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनको थोड़ा सा संरक्षण मिल सके। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आगे तक पहुंच सके और सरकार तक ये बात पहुंच सके कि इस किले को संरक्षण मिल सके, इसकी मरम्मत हो सके। वैसे ये किला 1754 के अंदर बना था, तो इस किले को तकरीबन 265 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और फिर भी ये इतनी अच्छी कंडीशन के अंदर है। और वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो का सेकंड पार्ट, और आपको कुछ मैं आपको बताऊंगा कि इस किले के अंदर मेरे को क्या मिला। आप देखते रहिएगा, सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा।